क्या दोस्तों, आप भी अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह अकाउंट का पासवर्ड चेंज करते हैं? तो कोई नहीं गाइस, मैं आपको बताऊंगा किस तरह अपने जीमेल अकाउंट के पासवर्ड को आप आसानी से चेंज कर सकते हो बस कुछ ही स्टेप में। तो सबसे पहले हम लोग अपना जीमेल अकाउंट को खोल लेते हैं। अब जीमेल अकाउंट को खोलने के बाद हम लोग अपने प्रोफाइल में क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो यहाँ सबसे पहले क्लिक करेंगे। लेकिन आपको जिस अकाउंट का करना है उस अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिएगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे सिक्योरिटी वाले सिस्टम में, इधर क्लिक करते हैं। सिक्योरिटी वाले सिस्टम में क्लिक करने के बाद इधर आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग करके रखिएगा क्योंकि ये फ़ोन गुम होने से यह आपको बहुत मदद कर सकते हैं। तो हम लोग को पासवर्ड चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पर पासवर्ड वाले सेक्शन में आ जाएंगे। देख सकते हैं लिखा हुआ है पासवर्ड, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोड ले रहा है। ओके, थोड़ा लोड लेने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया है। अगर आपको पासवर्ड पता है तो यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के अपना न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। लेकिन आपको अपना पासवर्ड नहीं पता तो उस केस में क्या करना है? तो इधर फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा लोड लेने के बाद इधर आ जाएगा। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो कैसे अपने पासवर्ड को चेंज करना है? तो इस तरीके से आपको कंटिन्यू करके यहाँ पर लिखा हुआ है फेस या फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करता हूँ तो कंटिन्यू क्लिक करने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। देखो फिंगरप्रिंट बता रहा है, तो यहाँ मैं फिंगरप्रिंट डाल दिया। फिंगरप्रिंट डालने के बाद थोड़ा लोडिंग ले रहा है, लोडिंग ले रहा है उसको। देखो गाइस, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ गया, न्यू पासवर्ड और कन्फर्म न्यू पासवर्ड। मतलब आप लोग अभी अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से, इस चीज़ को आप कर सकते हो। अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको क्या चीज़ के प्रॉब्लम है कमेंट में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर वीडियोस ला दूँ।